अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय परिसर में मधुमक्खियों ने दोपहर के समय अचानक क्लास में जा रही छात्राओं पर हमला कर दिया, जिसमें दो बालिकाओं को घायल कर दिया। घायल अवस्था में छात्राओं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उपचार किया गया है। जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में कगंडी मार्ग पर स्थित महाविद्यालय में गुरुवार को दोपहर 1 बजे करीब प्रतिदिन की तरह छात्र छात्राएं कॉलेज में पढ़ाई करने आए थे। इसी दौरान कॉलेज परिसर में लंबे समय से बने मधुमक्खी के छत्ते से मक्खियों ने उड़कर क्लास में जा रही छात्राओं के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर की छात्राएं सलोनी पिता मुकेश राठौर और तुलसी पिता सत्यनारायण चौहान घायल हो गई है। इसी दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में भगदड़ मच गई और घायल छात्राओं को तुरंत उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं ने हमारे रिपोर्टर रवि पोरवाल को जानकारी देते हुए बताया कि विगत कई महीनों से कॉलेज प्रबंधक को मौखिक सहित लिखित में ज्ञापन देकर मधुमक्खी के छत्ते को हटाने की मांग की है, लेकिन आज तक गंभीरता से नहीं लिया गया है और आज हमला कर दिया, जिसमें छात्राओं को घायल कर दिया। यदि इसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो एक दिन बड़ी घटना हो सकती है। क्या नाम आपका? तुलसी चौहान। तुलसी जी, बताया जाए कॉलेज में जो हमला हुआ है, किस तरह से हमला हुआ, कितना बड़ा छत्ता है, क्या समस्या? छत्ता बहुत बड़ा है, हमने इसके बारे में पहले भी ज्ञापन दिया था बट उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम जा रहे थे क्लास में, एंट्री जैसे होने वाली थी हमारी और छत्ते डायरेक्ट हम दोनों पे हमला हुआ। उसको काटी, बहुत ज़्यादा काटी उसको, मेरे को एक दो काटी बस। आप क्या चाहते हो, क्या बारह इसमें क्या लापरवाही है, छत्ता लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। तो जवाबदार कौन होगा? जवाबदार प्रिंसिपल होएंगे। नवीन लक्ष्यकार विद्यार्थी बच्चे, आज जो घटना हुई है कि दो छात्राएं अपनी क्लास में जा रही थी और वो क्या है कि मतलब क्लास में जाते वक्त उनके ऊपर कम से कम 20 से 25 मधुमक्खियों ने हमला किया और इसके लिए हमने पूर्व में ज्ञापन भी दिया है और प्राचार्य से चर्चा भी करी है, उसके बावजूद भी प्राचार्य के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। और वो क्या है कि चाहते हैं कि बच्चों को ये काटे और बहुत बड़ा छत्ता हो गया है, लटकने लग गया है और आए दिन मधुमक्खियाँ उड़ती है, छात्र छात्रा बच के निकलते हैं, क्लास में जाते हैं और क्लास के गेट के वहीं पे छत्ता लटका हुआ है। और इसके लिए तो किस तरह छत्ता हटाना, अगर नहीं हटाना तो बड़ी घटना की जिम्मेदारी ये, अगर छत्ता नहीं हटता है कुछ समय में तो इसके लिए पूरा जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन रहेगा। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।